बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत कैसी है? ठीक है, हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। व्यूअर्स, अम्मी का किचन में थारे वास्ते आज मैं लेके आई हूँ चने की दाल उबाल के। ये मेरी उबल रही है चने की दाल, और इसके वास्ते मैंने चाहिए चने की दाल, ली है मैंने आधा किलो, और ये प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें प्याज थोड़ा ही डलेगा, एक प्याज लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक टमाटर है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये थोड़ी स्पाइसी बनाऊंगी, चाट मसाला, सूखा धनिया, हल्दी और मेथी, और थोड़ी सी खट्टी इमली डालूंगी इसके अंदर। और व्यूअर्स, इसके साथ मैं बना रही हूँ आलू आलू बूंदी की चाट, जिसमें आलू बूंदी के दही पहले इसमें उबाल लिया मैंने आलू आधा किलो, और ये बूंदी ले ली एक पैकेट, इसके वास्ते इमली का पल्प है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, चाट मसाला, गरम मसाला, अनारदाना, गरम मसाला साबुत, नमक, और ये मिक्स प्याज और टमाटर वगैरह काट लिए हैं, ये बस मिक्स करनी, और दही दही है, और इसके अंदर नींबू भी शामिल करूँगी। तो व्यूअर्स, मैं स्टार्ट करूँ अपनी हांडी, उसके बाद फिर मैं ये बनाऊँ। जो चम्मच ऑयल के ले लिए ना, इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूँगी प्याज, सही लाइट ब्राउन का करना, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना। व्यूअर्स, इतनी देर मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, मैं ज़रा वो दही पले की सेटिंग कर लूँ। व्यूअर्स, ये मैं दही पले वास्ते ये मैं आलू उबाल के छील के काट लिए बारीक बारीक, इसके अंदर बूंदी शामिल कर देंगे सारी, ये बस मिक्स ही करना सारा कुछ। और ये जो मेरे बेटा ना वो नहीं खाता ये टमाटर शमाटर ना, तो ये मैं थोड़े से मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं, बाकी आगे डाल लेंगे जिसने खाने होंगे। बस प्याज प्याज ज़्यादा डाल दूँगी शामिल करूँगी, वैसे तो अच्छे लगा बीच में पाए हुए। अब इसके अंदर ये सारे मसाले, चाट मसाला, लाल मिर्चा, नमक, अनारदाना, गर्म मसाला, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डालूँगी। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी ये इमली का पल्प, थोड़ी सी डाल दूंगी, ऐसे मिक्स करूंगी। ये बूंदी की चाट भी बड़ी मज़े की बनाया, दही पले पले जो बाजारी हो वो ही है तकरीबन। ये शाम मिक्स हो गया, तो अब इसके अंदर मैं निचोड़ूंगी नींबू, इसके अंदर निचोड़ूंगी ताकि ना सारे बीज इसके अंदर आ, फिर निकाल दूंगी बीज सारे। मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ, आज भी व्यूअर्स बहुत गर्मी है, दोपहर का टाइम है, ये चंदीद गर्मी है, ये टमाटर भी डाल देंगे इसके अंदर। ये मसाले की बनाई होगी, फेवरेट टमाटर गल गए, तो इसके अंदर शामिल करेंगे ये सारे मसाले। साथ ही ये इमली का पल्प डाल दूंगी, साथ ही सिरका डाल दूंगी, दो चम्मच सिरके के, इसमें मसाला ये मसाले में पानी शामिल करूँगा,
ये मसाला भुन गया व्यूअर्स। बिस्किट पर हम शामिल करेंगे, मसाला अच्छा सा भुन गया। मसाला बन गया मेरा अच्छा सा, ये देखो बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ये चने की दाल जो उबल चुकी है, तकरीबन गल चुकी है, तकरीबन ही पूरी ही गल चुकी है। इसके अंदर ये जो पानी है ना, ये पानी समेत इसमें इसके अंदर शामिल करूँगी। इसनों इब लगाऊंगी मैं दम पर, तो ये दम पर 10-15 मिनट पड़ी रहेगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और सारा इसके अंदर मसाला रच जाएगा। ये दाल बिल्कुल गल चुकी है, इसमें मैं टक दूँगी। इसमें हम ना एक उबाला आने के बाद इसमें लावांगे दाल। हम मैं अपनी ये हांडी चेक करूँगी, ये माशाल्लाह ये हो गया कंडीशन, इसका पानी तकरीबन खुश्क, थोड़ी सी ढीली रखेंगे। इसमें गरम मसाला डाल दूँगी मैं तकरीबन 1 चाय की चम्मची, और ये इसके अंदर धनिया शामिल करूँगी। और माशाल्लाह बड़ी अच्छे से तैयार हो गई है, ये मैं डिश के अंदर डाल के फिर दिखाऊँगा। तो ये बस ये है मेरी आज की रेसिपी, आलू फुल्कियाँ की चाट और चने की दाल। ये मेरा चने की दाल का सालन है, इन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, बड़ी मज़े की। और ये मेरी जो फुल्कियाँ की चाट है, ये भी बड़ी मज़े की बनी है, बड़ा अच्छा जायका आ रहा है इसका। तो बाज़ लोग दही बीच में शामिल कर लें, हम साथ रखा या ऊपर डाल के खावा या, तो ये भी अच्छा लगा है। बीच में शामिल करनी, बीच में शामिल कर लो, तो ये आपकी चॉइस है। व्यूवर्स ज़रूर ये सारी डिश ट्राई करना, ये आलू फुल्कियाँ की चाट भी बना के देखना, और ये चने की दाल ज़रूर ट्राई करना। इसमें चावला के साथ, सादा चावला के साथ भी खा सका है, तंदूर की रोटी के साथ खा सका है इसमें। तो ज़रूर ट्राई करना, और मैनू अम्मी का किचन से इजाज़त दो, मुझे दुआ में याद रखना, अम्मी के किचन से मैंने इजाज़त दो। अगली दफ़ा इंशाल्लाह अच्छी और सादा रेसिपी के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगी, तब तक मैंने इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।